चलो 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 भाई साहब, मेरा नहाकर तो हो गया, अभी चलो यार, चलता पड़ाट से बाहर फेंगी बिया के पास और यार जाकर देखता हूँ उनको आज का दिन याद है या फिर नहीं। दरअसल गाइस आपको पता आज यार मेरा बर्थडे है और यार आज के दिन आपको पता है भाई साहब मुझे फेंगी बिया एकदम मस्त मस्त वाला गिफ्ट देता है और यार आज के दिन तो मुझे ऐसा लगता है फेंगी बिया इस बार के मेरे बर्थडे के ऊपर एकदम मस्त वाली पार्टी भी रखेंगे मेरे दोस्तों के लिए। बट यार रुको यार, पहले तो फेंगी बिया के पास चलता हूँ। पता नहीं यार फेंगी बिया कहाँ पर है, सुबह से तो मुझे दिखाई नहीं दिए। बट यार मैं सुबह नहाने गया था, बट यार अभी भी फेंगी बिया घर के अंदर है नहीं। रुको यार देखता हूँ फेंगी बिया कहाँ पर है। अरे चौप के बच्चे तुझे पता है फेंगी बिया कहाँ पर है? आप नहीं भाई सिंचन, सुबह से मैंने भी कलवे को देखा नहीं, पता नहीं भाई कहाँ चला गया। क्या कहा चौप, तूने भी फ्रैंकली बिया को नहीं देखा? अब हाँ भाई मैंने भी नहीं देखा। वैसे भाई तू ढूंढ क्यों रहा है उसको? नहीं यार बस मैं ऐसे ही ढूंढ रहा था। चलो यार कोई बात नहीं, मुझे ऐसा लगता है फेंगी बिया मेरे लिए एकदम मस्त वाला गिफ्ट लाने के लिए गए होंगे। बट यार उन्होंने एटलीस्ट मुझे विश तो करना चाहिए था, क्योंकि यार गाइस हर साल फेंगी बिया सबसे पहले मुझे बर्थडे विश करता है, उसके बाद में वो मुझे अपने घर पे कॉल लगा कर देते गाँव में। बट यार फेंगी बिया पता नहीं सुबह से कहाँ पर चले गए। ऐसा लगता है गाइस यार इस बार फेंगी बिया मुझे विश करते समय एकदम मस्त वाला गिफ्ट देने वाला है। बट यार छोड़ो गाइस कोई बात नहीं। एंड यार ये चौप के बच्चे को तो याद भी नहीं कि आज मेरा बर्थडे है। अबे क्या कहा भाई सिंचन, किसका बर्थडे है? अरे हाँ चौप तुझे याद है आज किसका बर्थडे है? अबे भाई मुझे तो याद नहीं आज किसी का बर्थडे है। वैसे भाई तुझे बताया क्या किसी का बर्थडे आज? नहीं यार मुझे भी नहीं पता। ऐसा लगता है गाइस यार चौप के बच्चों को नहीं पता कि आज मेरा बर्थडे है। अबे भाई सिंचन आज तेरा बर्थडे है? हाँ चौप तुझे नहीं पता था मेरा आज बर्थडे है? अबे भाई सिंचन मुझे पता था, बस मैं नाटक कर रहा था भाई। पर यार क्यों इसमें नाटक क्या ही करना, तू बस यार सीधा सीधा मुझे विश कर देता। अबे नहीं भाई सिंचन, मैंने सोचा रात को तुझे एकदम मस्त वाला बर्गर खिलाऊंगा और भाई उसी समय तुझे विश कर दूंगा। अरे क्या चौप तू भी? अब भाई सिंचन हैप्पी बर्थडे यार। भाई साहब तू तो मेरा एकदम बढ़िया वाला बेस्ट फ्रेंड है। अरे हाँ यार चौप तू तो मेरा एकदम अच्छा वाला दोस्त है, थैंक यू सो मच यार विश करने के लिए। अब पर भाई सिंचन कल मैंने तुझे विश किया या फिर नहीं? नहीं यार इसलिए तो मैं फेंगी बिया को ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं यार कहाँ चले गए। अब भाई मुझे लगता है वो घर के बाहर होगा। अच्छा ऐसी बात है, चलो यार चलकर देखता हूँ काश यार फेंगी बिया मुझे घर के बाहर ही मिल जाए। चलो चलो चलकर देखता हूँ फेंगी बिया कहाँ पर है। एक सेकंड, ये क्या फेंगी बिया की तो कार नहीं है यहाँ पर, और यार ये गैराज भी बंद है। यार ये फेंगी बिया चले कहाँ गए यार, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। गाइस यार मुझे ऐसा लगता है फेंगी बिया यार सच्ची में मेरे लिए एकदम मस्त वाला गिफ्ट लाने के लिए चले गए सुबह सुबह, या फिर यार गाइस वो मेरे मॉम डैड को तो लाने नहीं गए गांव में। यार मुझे तो कुछ भी नहीं पता, ये फेंगी बिया पता नहीं यार क्या क्या करते रहते हैं। बट यार गाइस आपको पता है लॉस सैंटोस के अंदर मेरे दो तीन दोस्त रहते हैं, चिंटू बेंटन नोबिता और यार एक मेरे दोस्त भी है उसका नाम है चिंकी। ये लोग यार ऐसा लगता है आज यार मेरे घर पे आ जाएंगे एकदम मस्त वाला बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। चलो कोई बात नहीं, काम करता गाइस यही पर बाहर रुककर फेंगी बिया का इंतजार करता हूँ और यार देखता हूँ वो कब तक आते हैं मेरे लिए एकदम बढ़िया सा गिफ्ट लेकर। बट यार गाइस आप लोग भी यार मुझे विश करना चाहते हो तो गाइस यार एक काम कर दे यार, फटाफट से कमेंट के अंदर हैप्पी बर्थडे सिंचन जरूर लिखना ताकि गाइस यार मैं आप सभी के कमेंट पढ़ सकूं और यार आप सभी को थैंक यू बोल सकूं। हाँ तो गाइस जाओ फटाफट से कमेंट के अंदर मुझे एकदम बढ़िया वाला हैप्पी बर्थडे विश करना और फिर यार गाइस तुम लोग देखना मैं आप सभी को एकदम मस्त वाला रिप्लाई भी दूंगा। बट यार आओ यार फिलहाल तो फेंगी बिया का इंतजार करते और यार एकदम मस्त वाला गेम खेलते अपने फोन के अंदर। अरे वाह यार क्या ब्यूटीफुल था दिन आया आज, एक काम करता तलता तलो पताते बाल पता लेखते देत क्या है लुको भाई देखने दो। अरे ये क्या यार आज तो भाई तब 12 मालत है, ऐसा लगता है आज मेरे कितनी दोस्त का बर्थडे याद तो नहीं आला। कौन थे दोस्त का बर्थडे? लुको यार याद करने दो, पता नहीं यार कौन थे दोस्त का बर्थडे यार कुछ याद नहीं आला। अबे याद आ गया, आज तो भाई था उस गलीब का बर्थडे तिंतन का। यार थोड़ा मुझे क्या करना है उस गलीब के बर्थडे का, बट यार उसको तिलाने में बड़ा मजा आता है मुझे। गाइस तुम्हें पता है भाई तब हल बाल में उसके बर्थडे पे जाता हूँ और उसको अपने पापा के एकदम बलिया बलिया काल दिखाता हूँ। और इस बार वैसे भी मेरे पापा ने एकदम मत वाली लंबोर्गिनी खरीद ली है, तो चलो यार चलता मेरे पापा को लेकर उसके घर पे और उसको दाखल दिखाता हूँ अपनी मत वाली लंबोर्गिनी। बताओ यार सबसे पहले पापा से बात करता हूँ। हेलो पापा आप क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं चिंटू, मैं तो बस ऐसे अभी काम के ऊपर जाने वाला था। अरे वाह पापा वो तो अच्छी बात है, बताओ पापा मेरा काम है आपके पास, आप करोगे? अच्छा बोल चिंटू कौन सा काम है, तेरे लिए तो मैं कुछ भी कर दूँ। आता पापा तो तूने मेरी बात, आपको पता मेरा एक दोस्त है तिंतन, वो यार बहुत गरीब है। अरे हाँ वो मुझे पता है, जिसके हर एक बर्थडे के ऊपर हम लोग जाकर उसको गरीब बोलते हैं और यार उसको जलाते हैं। अरे हाँ पापा आपने बिल्कुल सही पहचाना, वो तिंतन के बच्चे का आज वापिस बर्थडे है, तो चलो एक काम करते चलते उसके घर पे और भाई तब उसको दाखिल हमारी मत वाली लंबोर्गिनी दिखाता है। अरे नहीं नहीं चिंटू आज मेरे पास टाइम नहीं है, आज मुझे थोड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है। अरे चलो ना पापा 2 मिनट में आ जाएंगे। नहीं यार चिंटू सुन ले मेरी बात, बाद में जाएंगे। अरे चलो ना पापा मैं आपके पैर पलता हूँ, चलो ना प्लीज पापा। अरे यार चिंटू तू भी ना आज आ बैठ जा कार के अंदर, बस 2 मिनट में वापिस आ जाएंगे। अच्छा ठीक है पापा चलो चलो। हाँ बैठ जा बैठ जा। अरे हाँ चलो पापा बैठ गया। ये देखो पापा यहाँ तो बता मैं सीधा ऊपर जाना है। अरे हाँ मुझे पता है उसका घर, अभी जाकर उसको गरीब बोलते है और उसको नीचा दिखाते है। अरे बिल्कुल पापा अपने तई का उसको दिखाते अभी हम लोग क्या करेंगे। और ये देखो पापा वो तो घर के बाहर ही खड़ा है। अरे वाह यार ये तो बढ़िया काम हुआ, ये गरीब साला इधर ही मिल गया मैं। बिल्कुल पापा अपने तई का, आओ आओ चलो उसके पास चलते बताते है। अरे हाँ आजा आजा। हेलो ये गरीब के बच्चे क्या कर रहे थे यहाँ पे? अरे कौन है? एक सेकंड चिंटू, चिंटू के पापा आप दोनों यहाँ पर कर क्या रहे हो? अरे पहले तो अपना ये फोन रख साले, हम लोग बात कर रहे हैं ना तुझसे। अरे पापा लात क्यों मार रहे हो उसको? अरे तू चुप बैठ चिंटू, ये साला गरीब
गरीब है और इसका तो हर बार कहो गया यार, और इस बार तो तूने देखा अपने फोन में देख रहा है हम लोग इसके सामने खड़ी है फिर भी। अरे पर यार आपने मुझे लात क्यों मारी? मैंने तो इसलिए लात मारी क्योंकि यार तू अपना फोन इस्तेमाल कर रहा था। अरे पर यार उससे तुम्हारा क्या जाता है, तुम जाओ ना यहाँ से, मेरा दिमाग क्यों खराब कर रहे हो? और चिंटू के बच्चे तू आज क्यों आया यहाँ पर? अरे तिंतन मैं तो तुझे पद्दे वित करने आया था, बट यार तूने अपना फोन देव में नहीं लगा इसलिए मेरे पापा ने तुझे लात मार दी। तिंतन वैसे तो मुझे भी मजा आया तुझे लात खाते हुए देख कर। अरे वही चिंटू के बच्चे अपना मुंह बंद रख ले नहीं तो साले मैं तेरी पिटाई कर दूंगा। अरे वही बच्चे तू कैसे मेरे बच्चे को हाथ लगाएगा? हाथ तो लगा के बता फिर तुझे बताता हूँ मैं। अरे वही चिंटू के पापा आपने तो अभी मुझे लात मारी, जब यार मेरे फैंकी भी आएंगे ना तब मैं आपको बताऊंगा। अगर मेरी भी हाइट बहुत ज्यादा बड़ी होती ना तब तो यार मैं आपके नाक के ऊपर ही पंच मार देता। अरे जा जा साले गरीब, एक दिन क्या तेरा बर्थडे आ गया, तुझे क्या लग गया तू कोई सुपर हीरो बन गया जो की अपनी हाइट बढ़ाकर हमें मारेगा? अरे यार तुम जाओ ना यार, कामों का क्यों मेरा दिमाग खराब कर रहे हो? और यार तुम्हें किसने कहा था यहाँ पर आने के लिए? अरे यार बच्चे ये देख, हम लोग तुझे अपनी एक मस्त वाली लैम्बोर्गिनी दिखाने के लिए आए। अरे हाँ भाई यार एक सेकंड, ये क्या तुम्हारे पास इतनी बढ़िया वाली लैम्बोर्गिनी? अरे हाँ तिंतन ये मेरे पापा ने खरीदी है पूरे 12 करोड़ रुपए में। क्या कहा 12 करोड़? यार ऐसी लैम्बोर्गिनी तो मैंने टेक्नो गेमर के पास देखी थी। अरे बिल्कुल बिल्कुल तिंतन, ये लैम्बोर्गिनी हमने वही तो देखी थी, ऑल मंगवा ली हम लोगों ने टेक्नो गेमर से ही। अरे भाई यार ये तो एकदम मस्त है, तो चल यार चिंटू एक काम करते हैं इसमें घूमने चलते हैं। अरे नहीं नहीं तिंतन, हम लोग तुझे घुमाने के लिए नहीं बस दिखाने के लिए लाया। बट यार दिखाने के लिए भी क्यों लेकर आ गए तुम लोग जाओ यहाँ से, अगर घुमाना ही नहीं था तो यार दिखा क्यों रहे हो? बच्चे साले तेरी औकात इतनी महंगी गाड़ी में घूमने की, और यार वैसे भी जो तेरा बड़ा भैया क्या नाम है उसका, बंदर बंदर, अरे फ्रैंकी ने उनका नाम, अरे हाँ फ्रैंकलिन फ्रैंकी जो भी उसका नाम हो, उसकी औकात नहीं हमारे सामने खड़े रहने की। और यार वैसे भी यार वो इतनी महंगी गाड़ी अफोर्ड भी कहा कर सकता है? अरे तुम्हें क्या पता मेरे फ्रैंकी भाई बहुत ज्यादा अच्छा है, और यार वो इतनी महंगी कार खरीद भी सकता है? अरे जा जा कुछ नहीं खरीद सकता वो, और ना ही उसकी औकात इतनी महंगी कार खरीदने की। अच्छा ऐसी बात है, तो 5 मिनट रुको मेरे फ्रैंकी भैया को आने दो, और यार फिर देखो वो कितनी महंगी वाली कार खरीद के दिखाएंगे आपको। अरे जा कुछ भी नहीं कर पाएगा वो। अरे चलो ना पापा, कहा इस गरीब के मुंह लग ले हो। अरे बिल्कुल बिल्कुल, कहा इस गरीब से बात कर रहा हूँ मैं, चल साले गरीब। अरे यार अंकल आपने दूसरी बार मुझे लात मारी, आपको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे जा कुछ नहीं कर पाओगे तुम लोग। अरे चल चल गरीब तिंतन, आइंदा तो अपने औकात में लेकर बात कर लियो। अरे मैंने कुछ किया भी नहीं था, रुको ना तुम लोग को अभी बताता हूँ मैं। अरे दा नहीं रुकेंगे हम लोग हमारे लैम्बोर्गिनी के अंदर घूमने के लिए। हाँ तुम लोग को मैं बाद में बताता हूँ। अरे वाह पापा आज तो मजा आ गया, आपने तो उसको औकात दिखा दी। अरे हाँ चिंटू तूने बिल्कुल सही कहा, कल वापस से जाएंगे उसको दिखाने के लिए अपनी लैम्बोर्गिनी। मजा आ गया आज तो। हर बार की तरह गाइस इस बार भी मैं गया था बीच के ऊपर अपना नसीब आजमाने के लिए। दरअसल गाइस यार वहाँ पर एक बढ़िया वाला लॉटरी का शॉप खुला हुआ है, मतलब यार लिटरली वहाँ पर बहुत सारे लॉटरी के शॉप है, बट यार इस बार एक नया लॉटरी का शॉप खुला था तो मैंने सोचा गाइस यार चलो वहाँ पर चलते और भाई जाकर अपना नसीब आजमाते हैं कि भाई देखते हमारे पास कुछ पैसे ऐसे आ जाए तो। और गाइस हर बार की तरह इस बार भी मैं एक लॉटरी का टिकट खरीद कर लाया हूँ, अब पता नहीं गाइस यार ये रिजल्ट के अंदर मुझे लॉटरी लगती है या फिर नहीं, वो तो गाइस यार अभी थोड़ी देर बाद ही पता चलेगा। उसके लिए गाइस यार मुझे वापस से बीच के ऊपर जाना पड़ेगा। बट यार गाइस अभी तो मैं अपने घर पे पहुंच ही चुका हूँ, आज चलते अभी घर पे, क्योंकि गाइस यार मैं सिंचन को बिना बताए सुबह सुबह चला गया था भाई लॉटरी का टिकट खरीदने के लिए। और अभी तो बस गाइस पहुंचने वाला अपने घर पे, लेट्स गो भाई। कैसे चलाते हैं गाड़ी लोग पता नहीं भाई, कैसे कैसे लोग। एक सेकंड भाई ये देखो सिंचन ये रहा अपने घर के बाहर, पता नहीं भाई क्या कर रहा है। हेलो भाई सिंचन क्या कर रहा है घर के बाहर तू? कुछ नहीं फैंकी भाई, मैं तो बस यहाँ पर खड़े होकर आपका इंतजार कर रहा था। हाँ इंतजार वो भी मेरा? हाँ बिल्कुल यार, आपको पता अभी यार चिंटू के पापा आए थे और यार चिंटू भी आया था साथ में। हाँ तो क्या हो गया भाई, आपको पता है वो लोगों ने आकर मेरी एकदम तगड़ी वाली बेइज्जती मार दी, और यार चिंटू के पापा ने मुझे 2 बार लाते भी मारी। अबे पर क्यों लाते मारी? एक सेकंड यार मुझे कुछ याद आ रहा है। अभी आपको क्या याद आ रहा है? अरे मुझे ये याद आ रहा है कि भाई पिछले साल भी ऐसा ही कुछ हुआ था ना। हाँ पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था, और यार उस साल भी आप कुछ नहीं कर पाए थे, और आपको तो अभी ये भी पता नहीं होगा कि आज कौन सा दिन है। अबे रुक जा भाई मुझे याद करने दे, पिछले साल ये सब कब हुआ था याद करने दो यार। अबे हाँ पिछले साल तो भाई सिंचन का बर्थडे था, और उस टाइम पे भाई चिंटू के पापा ने कोई नई वाली कार खरीदी थी, और यार उस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि भाई चिंटू के पापा आए थे सिंचन के पास, और यार उन्होंने सिंचन की बेइज्जती मारी, सिंचन को लात वात मारी और भाई चले गए थे। ऐसा लगता है यार आज सिंचन का बर्थडे तो नहीं। अबे रुको भाई एक सेकंड यार, मैं भूल तो नहीं गया? अबे हाँ एक सेकंड, आज तो भाई 12 मार्च है, और भाई आज तो सिंचन का बर्थडे है, और भाई मैं कैसे भूल गया यार आज तो सिंचन का बर्थडे है। अबे यार ये कैसे हो गया? हेलो भाई सिंचन हैप्पी बर्थडे यार। क्या हैप्पी बर्थडे वो भी इतना लेट? अरे भाई मुझे लगा कि तेरा बर्थडे 2
3 दिनों बाद है क्या? कहा 2-3 दिनों बाद। यार जाओ फैंकी भाई, मुझे तो आपके साथ बात ही नहीं करनी, आपको तो मेरा बर्थडे भी याद नहीं रहता। अब भाई कैसी बातें कर रहा है भाई सिंचन, तू भूल गया इससे पहले भाई हर बार मैंने तुझे सबसे पहले विश किया है, इस बार बस भाई मैं कुछ काम से गया था। बताओ जरा कौन से काम से गए थे? अरे वो तो भाई मैं लॉटरी का टिकट लाने के लिए गया था। देखा देखा आपको यार हमसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट वो लॉटरी का टिकट है। अरे नहीं भाई सिंचन, मैंने सोचा भाई वो लॉटरी का टिकट निकालूंगा और फिर भाई मुझे लॉटरी लग गई। तब तो भाई यार उन पैसे से तुझे एकदम मस्त वाला गिफ्ट दूंगा मैं। हाँ तो लाओ मेरा गिफ्ट। अरे भाई लॉटरी का रिजल्ट अभी तक निकला नहीं है भाई, थोड़ी देर बाद निकल जाएगा, तब भाई देखेंगे यार मुझे अगर लॉटरी लगती है तब भाई तुझे एकदम मस्त वाला गिफ्ट दूंगा मैं। तो क्या सच बोल रही हो? बिल्कुल भाई मैं सच बोल रहा हूँ, तो फिक्र मत कर। बट भाई जो चिंटू के पापा ने इस बार भी आकर किया है इसका बदला भाई मैं लेकर रहूंगा। जाओ जाओ, पिछले बार भी तुमने ऐसे ही कहा था उसका बदला मैं लूंगा, बट यार तुमने अभी तक उसका बदला लिया भी नहीं और ना ही कोई सुपर कार खरीदी है। मुझे तो अभी ऐसा लगता है कि तुम यार जिंदगी में कभी भी सुपर कार नहीं खरीद पाओगे। अब भाई सिंचन तू मुझे हल्के में ले रहा है? अरे हाँ हल्के में ले रहा है, तुम्हारे बस की तो कोई भी बात नहीं है। अब भाई सिंचन मुंह संभाल के बात कर ले, साला तुझे पता नहीं भाई मेरे लिए कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। हाँ तो लाओ यार एक बढ़िया वाली सुपर कार। अब यार ये तो अभी के अभी मांग रहा है, अब इसको कहाँ से ला कर दूं भाई सुपर कार? मेरे अकाउंट में भाई साहब बस $10,000-20,000 पड़े। अब यार उन $10,000-20,000 में कोई सुपर कार आती भला? अब इसको कौन समझाएगा भाई? सुपर कार खरीदने के लिए भाई साहब करोड़ों रुपए चाहिए होते हैं। हाँ तो जाओ ना लेकर आओ करोड़ों रुपए कहीं से भी। अब यार तू चुप बैठ भाई, अब मुझे देख रहे थे भाई वो लॉटरी का टाइम कब आने वाला? एक सेकंड भाई, 11:17 हो गए ना, कुछ यार थोड़ी देर में लॉटरी का रिजल्ट लग ही जाएगा। वैसे भी यार यहाँ पर रुक कर मैं क्या ही करूंगा? अब यार कहाँ पर जा रहे हो तुम अकेले अकेले? अरे वहीं पर जा रहा भाई बीच के पास, देखता हूँ भाई वहाँ पर मुझे लॉटरी का टिकट लगा है या फिर नहीं। हाँ तो रुको मैं भी आता हूँ। अरे रुक जाना भाई मैं आ जाऊंगा देखकर। नहीं नहीं मैं भी आऊंगा आपके साथ, नहीं तो यार अगर अभी नोबिता के पापा अगर मेरी पिटाई करके चले गई तो। अब यार क्या भाई सिंचन तू भी मेरे होते हो भाई, तू डर रहा है? तू रुक जा भाई सिंचन, बस एक बार मुझे लॉटरी लगने दे फिर भाई साहब चिंटू के पापा को बताता हूँ कि भाई साहब सबसे ज्यादा अमीर इंसान कौन है। बट यार फिलहाल तो चलो गाइस एक काम करते हैं, फटाफट से चलते भाई बीच के ऊपर और भाई जाकर यार देखते भाई वो लॉटरी के टिकट का विनर है कौन। बट यार उससे पहले गाइस यार मैं आप सभी को एकदम बढ़िया वाला शाउट आउट देना चाहता हूँ अपने वीडियोस के अंदर। हाँ गाइस आपको पता होगा यार मैं हर बार अपने वीडियोस के अंदर आप सभी को एकदम बढ़िया वाला शाउट आउट देते रहता हूँ, तो इस बार भी गाइस मैं देने वाला आपको एकदम बढ़िया वाला शाउट आउट। तो गाइस आज का अपना पहला शाउट आउट जाता है अपने आकाश पॉल भाई को, इनका बर्थडे आता है 10 जुलाई को। तो आकाश भाई आपका बर्थडे बड़ा लेट आने वाला है, तो आपको मेरी तरफ से एकदम बढ़िया वाला शाउट आउट और भाई एकदम बढ़िया वाला हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। और गाइस अपना अगला शाउट आउट जाता है अपने सोहम भाई को, इनका बर्थडे आता है 25 जुलाई को। तो सोहम भाई आपका बर्थडे बड़ा लेट आने वाला है, आपको भी यार मेरी तरफ से एकदम बढ़िया वाला शाउट आउट और भाई एकदम बढ़िया वाला हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। और गाइस अपना आखिरी शाउट आउट जाता है अपने अंकित भाई को, इनका बर्थडे आता है 22 मार्च को। तो अंकित भाई आपका बर्थडे यार कुछ ही दिनों में आने वाला है, तो आपको मेरी तरफ से सबसे बड़ा शाउट आउट और भाई एकदम बढ़िया वाला हैप्पी बर्थडे एडवांस। एंटर गाइस आपको मेरे वीडियोस के अंदर ऐसा शाउट आउट चाहिए तो गाइस एक काम कर देना, फटाफट से इस वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। हां गाइस जाओ फटाफट से इस वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, थोड़ी आराम से चलाओ ना। हां भाई आराम से चला रहा हूं। हां गाइस तुम लोग कर देना फटाफट से इस वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब, और भाई कमेंट के अंदर अपना नाम और अपनी बर्थडे जरूर लिखना ताकि गाइस और सिंचन और मैं मिलकर आप सभी को एकदम बढ़िया वाला शाउट आउट दे सके हमारे वीडियोस के अंदर। तो चलो गाइस अभी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा चलते भाई बीच के ऊपर और भाई देखते उस लॉटरी के टिकट का विनर कौन होने वाला है। बस गाइस अभी हम लोग पहुंचने वाले बीच के ऊपर, बस गाइस यहाँ से हमें अभी लेफ्ट मारना है और भाई बस पहुंच ही जाएंगे। चलो चलो जल्दी चलो भाई साहब, मजा आने वाला है, लॉटरी के टिकट अगर हम लोग जीत गए तो भाई साहब बहुत सारे पैसे मिलेंगे। हाँ भाई सिंचन इतना खुश भी मत हो जा भाई, हमें ये नहीं पता कि भाई हम लोग जीतेंगे या फिर नहीं। हाँ तुम देखना हम लोग जीत कर रहेंगे, बट यार वो लॉटरी की दुकान है कहाँ पर? अरे बस यही पर है भाई, वो देख वो बंदा वहाँ पर खड़ा है। ऐसा लगता है भाई लॉटरी का रिजल्ट निकल ही गया है। क्या निकल गया? हाँ तो चलो भाई आजा देख लेते हैं भाई वो लॉटरी का विनर है कौन। आओ गाइस फटाफट से भाई इस बंदे को पूछ लेते हैं हमें वो लॉटरी लगी है या फिर नहीं। चलो भाई पूछ लेता हूँ। अब यार गाइस इस बार भी यार ये लॉटरी भाई मुझे लगी नहीं, यार ये नया लॉटरी का दुकान तो खुल गया बट यार ये लॉटरी भाई मुझे लगती क्यों नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा। यार फैंकी भाई हम लोग क्या करेंगे, ये लॉटरी तो हमारे हाथ से चली गई, क्या अब हम लोग नया लॉटरी खरीदेंगे? अरे नहीं भाई सिंचन तू फिक्र मत कर, हम लोग कोई और रास्ता ढूंढते भाई बहुत सारे पैसे कमाने का। जैसे कि कौन सा रास्ता? अरे तू फिक्र मत कर भाई सिंचन, मुझे पहले सोचते तो थे हम लोग कौन सा रास्ता ढूंढ सकते हैं। हाँ सोचो थोड़ा जल्दी सोचो, मेरे पास टाइम नहीं है। अबे क्यों टाइम नहीं है तेरे पास? मुझे तो यार जल्दी से एक महंगी वाली सुपर कार चाहिए एक बढ़िया वाले बर्थडे गिफ्ट में। अरे तो रुक जाना भाई सिंचन, मुझे सोचने दे अभी मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा ठीक है सोचो। अब यार गाइस अभी ये सिंचन का बच्चा तो मेरे पीछे पड़ गया कि भाई साहब अभी इसको एक मस्त वाली सुपर कार चाहिए इसके बर्थडे गिफ्ट में, बट यार इसको कहाँ से ला कर दूंगा ये समझ नहीं आ रहा। बट यार गाइस अभी लॉटरी का टिकट भी मेरे हाथों से गया है। दरअसल गाइस यार वहाँ पर मैं जैसे गया और मैंने पूछा कि भाई यार मेरे नंबर को लॉटरी का टिकट लगा या फिर नहीं, उस बंदे ने कहा कि भाई इस बार लॉटरी का कोई भी विनर नहीं बना है। इसलिए गाइस अब मुझे ऐसा लगता है भाई यार मुझे लॉटरी वॉटरी खेलना छोड़ देना पड़ेगा और भाई अभी कोई काम वाम ढूंढना पड़ेगा। जैसे कि यार क्या काम कर सकता हूँ, अबे यार समझ तो नहीं आ रहा। फैंकी भाई ये साइमन अंकल का शोरूम है ना? हाँ हाँ भाई ये साइमन का शोरूम है। हाँ तो चलो यार इनके शोरूम के ऊपर चलता है। अरे क्यों भाई वहाँ पर क्यों जाना है? अरे बस यार ऐसी एक बढ़िया वाली कार देखने के लिए। अबे वहाँ पर जाकर
अच्छा कार देकर तू करेगा क्या? अरे तुम चलो तो से यार, वैसे भी यार कितने टाइम से हम लोग यहाँ पर आए नहीं थे। अच्छा ठीक है भाई, चल ही लेते हैं। ये देखो गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं सायमन के शोरूम पे बात करने के चक्कर में, और ये सिंचन का बच्चा बोल रहा है उसको यहाँ पर आना है। वैसे भी यार बहुत टाइम से वो आया नहीं था, बट यार ये क्या भाई, इसके पास कोई भी सुपर कार नहीं है। अब ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? सायमन का बच्चा भी ना पता नहीं क्या क्या करता रहता है। बट आओ भाई, यहाँ पर आए तो सायमन से बात करके जाएंगे। हेलो मेरे भाई सायमन, कैसा है तू? अरे फ्रैंकलिन, इतने डिनर पार्ट वो भी मेरे शोरूम पे? अरे हाँ भाई, बस यहीं से गुजर रहा था तो सिंचन ने कहा कि चलो भाई मिलकर चलता है। नहीं नहीं, हम लोग मिलने के लिए नहीं, हम लोग तो एक मस्त वाली सुपर कार खरीदने के लिए आए। अब ये कब बात हुई थी हमारी यार? ये बात तो अभी हुई हमारी। अरे तुम अभी क्या, अभी एक मस्त वाली सुपर कार मुझे दिलाओगे सायमन अंकल के शोरूम से? अब पर भाई यहाँ पर तो कोई सुपर कार है ही नहीं। हो गया ना भाई तेरा पोपट, क्या सुपर कार है ही नहीं इनके पास? अरे हाँ सिंचन, मेरे पास फिलहाल तो कोई भी सुपर कार नहीं है, सारी की सारी सुपर कार बिक गई। देखा भाई सिंचन, तेरा प्लान भाई फेल हो गया। अब तो मुझे भाई किसी भी जाल में फंसा नहीं सकता। बट यार पेंगी भाई प्लीज यार, दिलाओ ना मुझे एक मस्त वाली सुपर कार। अरे क्या हो गया फ्रैंकलिन, जरा मुझे भी बताओ। अरे भाई सायमन, तुझे पता आज अपने सिंचन का बर्थडे है? क्या कहा, सिंचन का बर्थडे? क्या सिंचन ये सच बोल रहा है? हाँ सायमन अंकल, फ्रैंकी भाई सच बोल रहा है, आज मेरा बर्थडे है। अरे सिंचन हैप्पी बर्थडे यार, चलो चलो एक काम करते, एकदम मस्त वाले रेस्टोरेंट में खाना खाना चलता है और उसकी पार्टी फ्रैंकलिन देगा। अबे मैं क्यों भाई, मैं नहीं देने वाला किसी को पार्टी वार्टी। देखा अभी पार्टी देने से भी इनकार कर रहे हैं। अरे भाई तू सिंचन चुप बैठ यार, तू भाई सायमन मेरी बात सुन। तुझे पता है भाई साहब, ये सिंचन का एक दोस्त है चिंटू नाम का, वो और उसके पापा भाई हर बार सिंचन के बर्थडे पे आते हैं हमारे घर पे। और क्या करते हैं? अरे भाई तुझे कैसे पता, वो लोग कुछ करते हैं? अरे हाँ हाँ करते होंगे, तभी तो बता रहे हो। हाँ हाँ वो लोग तुझे पता क्या करते हैं? वो लोग यार आते हैं भाई हर बार अपनी एक नई नई सुपर कार लेकर, और भाई सिंचन को नीचा दिखाते, उसको बोलते तू गरीब है, तेरा फ्रैंकली भैया एक बड़ी वाली सुपर कार अफोर्ड नहीं कर सकता, और भाई साथ ही दो तीन लाते तो चिपका कर चले जाते सिंचन को। अरे फ्रैंकली तुम तो बहुत बड़े बेवकूफ हो यार। क्यों भाई, मैं क्यों बेवकूफ हूँ? तुम्हारा छोटा भाई है सिंचन, और भाई साहब उसको लाटे वाटे मार के जाते लोग, और तुम ऐसे देखते बैठते हो। अरे नहीं भाई सायमन, ऐसी बात नहीं है, वो जो चिंटू के पापा है ना भाई, वो कुछ ज्यादा ही अमीर है, तो भाई साहब वो अपने पैसों का घमंड दिखाते रहते हैं मुझे, इसलिए भाई सायमन मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि भाई जल्दी कुछ बड़ी बड़ी चोरी करूँ और भाई साहब सबसे ज्यादा अमीर बन सकूँ। अरे फ्रैंकलिन अभी के टाइम पे चोरी करना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है लॉस सैंटोस के अंदर। तुम एक काम करो, मैं तुम्हें एक लोकेशन भेजता हूँ, वहाँ पर जाओ और एक मस्त वाली गोल्ड की सुपर कार चुरा लो। क्या कहा, गोल्ड की सुपर कार? भाई तू पागल तो नहीं हो गया? अरे नहीं नहीं फ्रैंकलिन, मैं सच बोल रहा हूँ कि हमारे लॉस सैंटोस के अंदर एक मस्त वाली गोल्ड की रॉल्स रॉयस आ गई है, वो भी एक ही बंदे के पास है। अरे भाई वो बंदा कौन है बता जरा? वो बंदा है मिस्टर मल्होत्रा, उसके पास एक ही सबसे ज्यादा महंगी कार है, वो है गोल्ड की रॉल्स रॉयस। तो चलो फ्रैंकी भाई जाकर उसको चुरा कर लाता है। अरे तो रुक जा भाई सिंचन, पहले मुझे उससे बात करने दे। बट भाई सायमन, उसके पास तो एकदम तगड़ी वाली सिक्योरिटी होगी ना? अरे बिल्कुल बिल्कुल, सिक्योरिटी तो है उसके पास, बट यार तुम भूल गए क्या फ्रैंकलिन, तुम यार कितने ज्यादा माहिर हो गाड़ियां चुराने में। हाँ भाई बात तो सही है तेरी। हाँ तो जाओ फ्रैंकलिन, वहाँ पर जाकर वो गोल्ड की रॉयस रॉयस चुरा लो। उस गोल्ड की रॉयस रॉयस चुरा कर भाई साहब बेच दो मुझे, फिर तो भाई साहब मैं तुम्हें करोड़पति बना दूंगा। क्या तू सच बोल रहा है? अरे बिल्कुल फ्रैंकलिन, मैं कभी झूठ बोलता हूँ? अबे नहीं भाई तू सही बोलता है। बट भाई सायमन यार, ये काम बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया यार। अरे तुम फिकर मत करो फ्रैंकलिन, तुम्हारे लिए सब कुछ पॉसिबल है, तुम भूल गए? अबे हाँ भाई मेरे लिए तो सब कुछ पॉसिबल है, तो जाओ भाई सायमन मैं। अरे हाँ तुम जाओ तो सही, बट यार उसके लिए तुम्हारे पास बहुत सारे हथियार भी चाहिए होंगे। अरे तो फिकर क्यों करता है भाई, मेरे पास बहुत सारे वेपन्स है, तू बस भाई मुझे लोकेशन दे उस घर की। अच्छा ठीक है फ्रैंकलिन, जैसे तुम्हारी मर्जी, अभी भेजता हूँ लोकेशन। बट यार फ्रैंकी भाई मैं भी आऊंगा आपके साथ। अबे तो चुप बैठ भाई, वहाँ पर एकदम हाई टाइट सिक्योरिटी होगी, और मुझे ऐसा लगता है भाई मुझे वहाँ पर गोलियां वोलियां चलानी पड़ेगी। अरे हाँ सिंचन टू मच जा, तू यहीं पर रुक, हम दोनों एकदम मस्त वाला बर्गर खा के आता है। क्या सच में सायमन अंकल? अरे बिल्कुल बिल्कुल, तू यहीं पर रुक। हाँ तो भाई सायमन तुझे भेजी लोकेशन? अरे हाँ भेज दी फ्रैंकलिन, तुम जा सकते हो। अच्छा ठीक है भाई, तो चलो गाइस चलते भाई प्रोड्यूस मल्होत्रा के घर पे, और जाकर देखते भाई वहाँ पर कौन सी गोल्ड की रॉयल्स रॉयस है, जो कि भाई मुझे नहीं पता यार। बट यार गाइस, उस मल्होत्रा को ये नहीं पता कि भाई साहब सबसे ज्यादा बड़ा चोर आने वाला है उसके घर के पास गाड़ी चुराने के लिए। बट यार मैं अपनी कार लेकर क्यों जा रहा हूँ बे? अबे यार मैं वहाँ से वो कार चुरा कर लाऊंगा, तो अपनी कार थोड़ी ना वहाँ पर छोड़ कर आऊंगा। अबे यार मैं भी ना, रुको गाइस एक काम करता हूँ, अपनी कार यहीं पर पार्क करता हूँ और किसी और की गाड़ी ले चलता हूँ। और तुम वापस क्यों आ गए? अरे बस ऐसे ही भाई, अपनी कार यहाँ पर लगाने के लिए। और अब तुम कैसे जाओगे? अरे किसी और की गाड़ी से जाऊंगा ना भाई। अच्छा ठीक है फ्रैंकलिन, चलो गाइस जाओ किसी की गाड़ी उठाते हैं। चलो भाई इस बंदे की उठाता हूँ। हेलो सर, पड़ा से कार से बाहर आ जाओ और अपनी कार मुझे दे दो। और भाई ये बाजू की सीट पे कौन है? और ये देखो भाई, ये बंदा तो मेरे पीछे बढ़ गया अपनी गाड़ी के लिए। बट यार इसको ये नहीं पता कि इसको उसकी गाड़ी नहीं मिलने वाली। बट छोड़ो गाइस वो सारी बातें, अभी भाई ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, और जो सायमन ने मुझे लोकेशन भेजी है वहाँ पर चलते भाई सीधा, और जाकर भाई उस गोल्ड के रॉयल्स रॉयस को चुराते। भाई सब जिंदगी में पहली बार देखने वाला हूँ एक गोल्ड की रॉयल्स रॉयस, भाई गोल्ड की रॉयल्स रॉयस। अगर गाइस आप लोग भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड उस गोल्ड के रॉयल्स रॉयस को देखने के लिए, तो भाई किस बात का इंतजार कर रहे हो? कर दो ना भाई पड़ा इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब।
सब्सक्राइब। हां गाइस कर दो भाई पड़ाचू इस वीडियो का लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब। और अभी तो चलो गाइस चलते भाई पड़ाचू उस लोकेशन के ऊपर और जाकर भाई चुरा लेते उस गोल्ड के रॉयस रॉयस को। तो चलो गाइस चलते पड़ाचू लेट्स गो। गाइस जैसे कि मैं अपने लोकेशन के अंदर देखते जा रहा हूं भाई उस घर का लोकेशन, भाई वो मैंशन तो हमारे घर से बहुत ज्यादा दूर है यार। आपको पता होगा गाइस यार यहां से अगर हम लोग सीधा सीधा ऊपर जाते हैं हमारे घर तक जाता है भाई वो रास्ता वाइनवुड के पास। और ये देखो भाई वो मैंशन यहाँ से बहुत ज्यादा नजदीक है। पता नहीं भाई ये मैंशन के बारे में मुझे अभी तक पता क्यों नहीं था। यार कोई बात नहीं गाइस चल कर देख लेते हैं कि भाई साहब ये मैंशन है कहाँ पर और भाई ये मल्होत्रा है कौन जिसके पास भाई गोल्ड की रॉयस रॉयस है। यार कोई बात नहीं चलते हैं प्लॉट से। एक सेकंड भाई ये रास्ते के बीच में बैठकर कौन रो रहा है भाई? अब यार जाकर पूछ लो क्या। पर छोड़ो गाइस यार मैं तो अपना कुछ काम करने के लिए आया था। ये देखो गाइस यार यही है आई थिंक वो मैंशन। और भाई साहब इस मैंशन के बाहर देखो भाई कितनी हाई टाइट सिक्योरिटी, भाई इनके हाथ में तो सीधा AK-47 है। अब पर भाई अंदर कैसे जाऊंगा अब मैं? अब यार भाई ये लोग तो मुझे यहाँ से अंदर छोड़ेंगे नहीं क्योंकि गाइस यार ये जो घर है ये भाई साहब एक बहुत बड़े बिलियनर का घर है तो यार इसके अंदर एंट्री मिलना तो भाई बहुत ज्यादा मुश्किल है। बट यार वो जो गोल्ड की रॉयस रॉयस मुझे उसको देखने का बड़ा मन है यार। रुको भाई काम करता यही से अपने फोन के कैमरे से देख लेता हूँ। काश मुझे गोल्ड की रॉयस रॉयस यहाँ से दिख जाओ गाइस देखते अपने फोन के कैमरे से। रुको भाई थोड़ा जूम करता हूँ यहाँ पर कोई तो कार, ये देखो यहाँ पर कुछ गाड़ियां लगी हुई है और गोल्ड की एक सेकंड वो देखो गाइस यहाँ पर अंदर भी एकदम हाई टाइट सिक्योरिटी है। और ये देखो वहाँ पर पेड़ के पीछे कार खड़ी है बट यार उसका कलर इतना अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा, कहीं भाई वही गोल्ड के रॉयस रॉयस तो नहीं? अबे हाँ यार ये भी हो सकता है यार। बट यार अंदर कैसे जाऊंगा? अबे ये देखो यहाँ पर जो इंसान बैठकर रो रहा है यहाँ से मैं सीधा ऊपर जा सकता हूँ और पीछे के साइड से एंट्री मार के भाई सारे सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को उड़ा सकता हूँ। हाँ यार ये तो मैं कर सकता हूँ। चलो 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 भाई पड़ा से चलता भाई और भाई सब इस प्लान को एग्जीक्यूट करता हूँ। बट यार उससे पहले यार मेरे पास एक आर्मर होता तो मजा आ जाता यार। बट खैर कोई बात नहीं गाइस डरते क्या भाई सीधा घुस जाएंगे इस कार को लेकर अंदर। बट यार भाई मैं इतनी ज्यादा रिस्क भी नहीं लेने वाला, मैं भाई चुप चुप कर ही मारने वाला इन लोगों को। और भाई ये देखो भाई पीछे की तरफ तो मैं आ गया हूँ और अभी उतरते भाई पड़ाचे कार से। अभी चलाओ भाई पड़ाचे अपनी AK-47 निकालता हूँ और भाई इन सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को भाई मार देता हूँ। तो लेट्स गो गाइस यार मैंने अपनी AK-47 निकाली बाहर और अभी तुम लोग देखो भाई क्या खतरनाक तरीके से तबाही करने वाला हूँ मैं। ये देखो गाइस यार यहाँ पर कितनी सारी कार्स है और यहाँ पर देखो भाई ये रही वो गोल्ड की रॉयल्स रॉयल्स जो कि भाई उसके घर के सामने है। भाई साहब तुम लोग देख रहे हो भाई क्या ही ब्यूटीफुल लग रही है वो गोल्ड की रॉयल्स रॉयल्स। वाह भाई मजा आ गया इसको देख कर। तो बट यार गाइस एक काम करता हूं पहले तो इन लोगों को भाई चिपकाता हूं। ये देखो गाइस इन लोगों ने मुझे देख लिया। बट यार मैं डरता नहीं भाई इन सभी को भाई गोलियों से उड़ा दूंगा और भाई किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। भाई कहां पर है भाई आ जा पड़ाचे मेरे सामने भाई किसी को भी नहीं छोड़ने वाला। वो भाई साहब यहां से गोली आ रही है भाई इसको भी नहीं छोड़ूंगा। और कहां पर है भाई कहां पर छुपा है? रुको भाई अंदर ही चलता। ये देखो ये दोनों यहां से मुझे मार रहे हैं। भाई साहब तुम लोगों को क्या लगता है मैं डरता हूं तुमसे? और बताओ भाई कहां पर छुपे हो जल्दी आ जाओ भाई। अब भाई यार ये लोग बिना पता नहीं कहां से गोलियां चला रहे हैं। अबे ये देखो और भी बंदे आ गए इनके। तो अब यार इनको तो छोड़ने नहीं वाला मैं। और ये देखो गाइस यार यहां से भी अंदर से बंदे आ रहे हैं। भाई साहब इसने तो लगता है एकदम हाई टाइप सिक्योरिटी रखी है। ये देखो भाई नीचे अरे गार्ड्स भी आ रहे हैं और एक बंदा था ना भाई नीचे ये देखो भाई भाग रहा है। भाई साले कहां भाग रहा है? और लिटरली गाइस तुम लोग देखो भाई मैंने यार बहुत सारे सिक्योरिटी को मार तो दिया है। बट यार फिलहाल तो गाइस अभी काम करता हूं फटाफट से भाई इस गोल्ड के रॉयल्स रॉयल्स को उठाते हैं और सीधा चलते भाई यहां से लेट्स गो। पैसे यार अभी किससे डरना भाई मैंने तो भाई सारे सारी सिक्योरिटी मार दिया है। और वो मल्होत्रा का बच्चा पता नहीं भाई कहां पर है। चलो गाइस कोई बात नहीं चलते फटाफट से लेट्स गो। और ये बंदा अभी भी यहीं पर है पता नहीं भाई क्या कर रहा है। चलो भाई चलता हूं। बट यार मुझे बड़ा मन कर रहा है भाई उसको पूछने का वो इतना रो क्यों रहा है यहां पर बैठकर। आ भाई पूछ लेता हूं। और यार देखने से तो ऐसा लगता है ये कोई बुड्ढा इंसान है। आ भाई चलकर देख लेता हूं। हेलो अंकल क्या कर रहे हो आप यहां पर रास्ते में बैठकर रो क्यों रहे हो? मैं क्या करूं मेरा बच्चा मुझे तंग कर रहा है। क्या आपका बच्चा आपको तंग कर रहा है पर क्यों? दरअसल यार आज मेरे बच्चे का जन्मदिन है और यार वो आज मुझसे इस मल्होत्रा की गोल्ड की रॉयल्स रॉयल्स मांग रहा है। क्या कहा गोल्ड की रॉयल्स रॉयल्स जो कि ये वाली है? अरे हाँ हाँ बच्चे तुम्हारे पास ये गोल्ड की रॉयल्स रॉयल्स कहाँ से आई? अरे वो तो अंकल वो तो छोड़ो ना अंकल आप मुझे एक बात बताओ वो उसको ये गोल्ड की रॉयल्स रॉयल्स क्यों चाहिए? बच्चे मैंने तुम्हें अभी बताया ना उसका आज जन्मदिन है इसलिए उसको आज गोल्ड की रॉयल्स रॉयल्स चाहिए। और वो मुझे बोल रहा है अगर मैंने उसको आज गोल्ड की रॉयल्स रॉयल्स नहीं दी तो यार वो जिंदगी में मुझसे कभी भी बात नहीं करेगा। भाई यार आपका बच्चा तो बड़ी जिद पर अड़क गया। अरे वही तो बच्चे मैं क्या करूं मुझे समझ नहीं आ रहा यार तुम ही बताओ मैं कैसे दूं उसको एक गोल्ड की रॉयल्स रॉयल्स जो कि अभी तुम्हारे पास है। अबे यार ये अंकल तो बड़ी मुसीबत में फंस गए यार। इनका बच्चा तो बोल रहा है कि भाई साहब वो इनके साथ बात ही नहीं करेगा अगर भाई साहब वो उसको रॉयल्स रॉयल्स गिफ्ट नहीं करते वो भी गोल्ड की। यार यार क्या यार ये लोग भी। बट यार गाइस यार अब मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगने लगा इन अंकल के बारे में। अबे चलो भाई दे दूं क्या इनको रॉयल्स रॉयल्स? वैसे भी यार भाई साहब मैं एक चोर हूं और जो कि भाई कहीं पर भी कोई भी गाड़ी चुरा सकता है। एक काम करता हूं गाइस अंदर बहुत सारी गाड़ियां है उनमें से एक बड़ी वाली कार ले चलता हूं और भाई सिंचन को गिफ्ट दे दूंगा वो तो उसमें भी खुश हो जाएगा। हाँ भाई यही करता हूं। अंकल आप एक
काम करो, आप इस रॉयल स्वर्ड को ले जा सकते हो आपके घर पे। क्या कहा मैं ले जा सकता हूँ? अरे बिल्कुल, आप रोना बंद करो पहले और ले जाओ इस रॉयल स्वर्ड को आपके घर पे। क्या बच्चे तुम सच बोल रहे हो? अरे बिल्कुल अंकल, मैं सच बोल रहा हूँ, आप ले जा सकते हो इस रॉयल स्वर्ड को। अरे थैंक यू सो मच बच्चे, तुम तो बहुत अच्छे हो। अरे हाँ अंकल कोई बात नहीं, आप ले जाओ इसको। हाँ ले जाता हूँ, बट यार उससे पहले मैं तुम्हें इस रॉयल स्वर्ड के बदले गिफ्ट देना चाहता हूँ। क्या कहा गिफ्ट? अरे बिल्कुल बिल्कुल, ये लो ये रहा गिफ्ट। अरे ये क्या अंकल, आपने तो मेरे हाथ में कुछ ग्लव्स पहना दिए। अरे हाँ बच्चे, इन ग्लव्स को अपने लिए रखना दो, ये तुम्हारे कभी बाद में काम आएंगे। अरे पर बताओ तो सही, इन ग्लव्स का करूंगा क्या मैं? अरे वो तुम बाद में देख लेना। अच्छा ठीक है अंकल, बाय बाय। अरे बाय बाय बच्चे, चलो अभी चलता हूँ से, लेट्स गो। चलो भाई, वो अंकल तो चले गए, एक काम करता भाई अंदर चलता अभी, और भाई उनमें से एक बढ़िया वाली कार उठाता हूँ। चलो 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 भाई, अगर कोई और इंसान आ गया ना भाई वहाँ पर दिक्कत हो जाएगी। उससे पहले गाइस चलो बड़ा से चलकर एक मस्त वाली कार उठाते हैं ऐसे। बट यार मुझे देखना होगा इनके अंदर कोई बढ़िया वाली कार है क्या नहीं। चलो भाई देख लेता हूँ, कोई तो बढ़िया वाली कार होनी तो चाहिए यहाँ पर। अबे ये देखो, यहाँ पर एक BMW है, और कौन कौन सी है? अबे ये देखो, यहाँ पर एक बुगाटी है। अबे वाह भाई, चलो बुगाटी को ही ले चलते यहाँ से। चलो भाई लेकर जाता हूँ इस बुगाटी को। चलो चलो लेट्स गो। एक सेकंड गाइस, ये बुगाटी अभी ग्रे कलर की थी ना, इसका कलर बदल गया क्या, या फिर भाई मेरी आंखों को धोखा हो रहा है? अबे नहीं नहीं भाई, ये बुगाटी का कलर बदल नहीं सकता बे। अबे ऐसी कोई बुगाटी होती क्या? बट यार जैसे कि गाइस मैं देख रहा हूँ, ये बुगाटी भाई कुछ डायमंड की तरह लग रही है। अबे छाट के देख लू। चलो भाई देख लेता हूँ। अरे हाँ एक सेकंड गाइजर, ये बुगाटी तो लिटरली डायमंड की तरह टेस्ट कर रही है, बट यार ये कैसे पॉसिबल है? अबे यार ये तो मुझे भी नहीं पता। जैसे कि गाइजर मैं इस बुगाटी के अंदर बैठा भाई, ये डायमंड के अंदर चेंज हो गई, बट यार ये इम्पॉसिबल है यार। रुको भाई इसके अंदर भी बैठ कर देख लेता हूँ। आओ बैठ जाता पड़ा इसके अंदर, और आओ भाई अभी बाहर आकर देखता हूँ। ये तो अभी रेड कलर की थी ना भाई, अब ये कैसे बन गई डायमंड के अंदर? अब ये कैसे पॉसिबल है? एक सेकंड, अब मैं तो डर गया, मेरे पीछे इतना बड़ा डायमंड कहाँ से आ गया? जैसे गाइजर मेरा हाथ लगा मेरे पीछे वाले बंदे को, वो भी डायमंड के अंदर बन गया। अब ये कैसे पॉसिबल है? अब यार गाइस मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अब यार पहले यहाँ से निकलो भाई, सब कुछ भाई उल्टा पुल्टा हुए जा रहा है। पहले तो रुको गाइस, यहाँ से निकलता हूँ, लेट्स गो इस डायमंड की बुगाटी को लेकर। बट यार जैसे गाइस यार मैं किसी भी चीज को टच कर रहा हूँ ना, वो चीज लिटरली डायमंड के अंदर चेंज हो रही है। ये तो भाई इम्पॉसिबल सी चीज है। बट यार गाइस मुझे अभी शक हो रहा है, जो कि यार वो अंकल ने मुझे एक ग्लव्स दिया है तो उसके बाद से ये सब होने लग गया है। कहीं भाई ये ग्लव्स की वजह से तो नहीं हो रहा? अबे हाँ भाई ये भी पॉसिबल है। रुको रुको गाइस, एक काम करता हूँ, पहले तो चलता भाई साइमन के पास, और भाई उसको जाकर दिखाता हूँ ये ग्लव्स के पावर्स। भाई साहब ये तो एकदम खतरनाक पावर्स है भाई, इनका इस्तेमाल करके तो भाई साहब मैं पैसे भी कमा सकता हूँ। अबे हाँ मेरे दिमाग में तो एक बढ़िया वाला आइडिया है। रुको भाई पहले तो साइमन के शोरूम पे चलता हूँ, फिर गाइस मैं आपको बढ़िया वाला प्लान बताता हूँ। तो चलो गाइस चलते बड़ा अभी साइमन के शोरूम पे, लेट्स गो। बस गाइस अभी मैं पहुंचने वाला हूँ साइमन के शोरूम पे, और मैं जिस प्लान की बात कर रहा था मैं आपको बताता हूँ। गाइस यार मैं यार इन ग्लव्स का इस्तेमाल करके साइमन की सारी गाड़ियों को भाई डायमंड का बना सकता हूँ। और फिर गाइस यार तुम लोग सोच ही सकते हो, फिर भाई मैं साइमन से बहुत सारे पैसे ले लूंगा। वो तो भाई साहब एक ही रॉयल्स रॉयल्स के पैसे की बात कर रहा था मैं, तो इसके सारे के सारे गाड़ियों को भाई डायमंड की बना सकता हूँ। अरे क्या कहा, डायमंड की बना सकते हो, वो भी मेरे सारे के सारे गाड़ियों को? अरे बिल्कुल भाई साइमन तूने सही कहा। और वो गोल्ड के रॉयल्स रॉयल्स कहाँ पर फ्रैंकलिन? अरे ये देख भाई गोल्ड छोड़, ये देख भाई मैं डायमंड की बुगाटी लेकर आया हूँ। क्या कहा, डायमंड की बुगाटी? अरे बिल्कुल भाई, ये देख यार ये रही डायमंड की बुगाटी, जो की भाई मैं सिंचान को गिफ्ट देने वाला हूँ। क्या कहा, मुझे गिफ्ट देने वाले हो? बिल्कुल भाई तुझे गिफ्ट देने वाला हूँ। फिर यार फ्रैंकलिन तुम मुझे क्या बेचोगे? अरे तू रुक जा भाई, तुझे अभी दिखाता हूँ। ये कर दी टच, रुको भाई इसको टच कर दिया। अब भाई बाकी गाड़ियों को भी टच करता, लेट्स गो। ये होगी आखिरी कार, और यार ये देखो गाइस यार साइमन की सारी सारी गाड़ियों पर डायमंड बन गई। बट यार ये आपने किया कैसे? अरे तो छोड़ ना भाई, तुझे मैं बाद में बताता हूँ। तो बता भाई साइमन इन चारों के चारों डायमंड की गाड़ियों की कितनी कीमत देगा तू मुझे? और यार पर ये हुआ कैसे? अरे तुझे क्या करना है भाई, तू बड़ा से भाई पैसे बता कितने देने वाला है? फ्रैंकलिन मैं तुम्हें देने वाला पूरे पूरे 500 करोड़। क्या कहा 500 करोड़? बिल्कुल बिल्कुल फ्रैंकलिन 500 करोड़ दूंगा। हाँ तो भाई फटाफट से पहुंचा दे मेरी गाड़ी के ऊपर। अच्छा रुको अभी देता हूँ, बैठ जा भाई सिंचन फटाफट से। हाँ रुको बैठता हूँ। ये लो फ्रैंकलिन रखवा दे तुम्हारे गाड़ी के ऊपर पैसे। अरे थैंक यू सो मच भाई साइमन। तो चलो गाइस यार फाइनली हमारे पास पूरे पूरे 500 करोड़ तो आ गए। अब यार मैं सोच रहा हूँ भाई साहब इन 500 करोड़ का करूंगा क्या, एक काम करते हैं किसी और शोरूम पे जाते हैं और वहां से और एक बढ़िया वाली कार खरीदते हैं। अच्छा ठीक है भाई सिंचन जैसे तेरी मर्जी। बट यार गाइस आपको क्या लगता है भाई साहब, मुझे इन ग्लव्स का इस्तेमाल करके और भाई कौन कौन सी चीजों को टच कर देना चाहिए, और भाई साहब उनको भी
डायमंड में चेंज करना चाहिए। वैसे तो आपने देखा होगा भाई थोड़ी देर पहले, मैं तो भाई लिटरली किसी इंसान को भी टच कर देता हूँ तो भाई साहब वो भी डायमंड में चेंज हो जाता है। इसलिए गाइस यार मुझे इन ग्लव्स का इस्तेमाल भाई एकदम संभाल के करना पड़ेगा। बट यार आप मुझे जरूर से कमेंट में बताना मुझे और कौन कौन सी चीजों को टच करके डायमंड में चेंज करना चाहिए, और भाई साहब इन पैसों का इस्तेमाल करके भाई क्या क्या खरीदना चाहिए। भाई साहब लिटरली 500 करोड़ भाई साहब बहुत ज्यादा अमीर बन गया अब तो मैं। बट यार गाइस आपको अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो फटाफट से गाइस यार इस वीडियो का लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और आज तो सिंचान का बर्थडे भी है तो चलो गाइस मैं और सिंचान तो चले आया सिंचान का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। आपको अगर गाइस आगे की वीडियो देखनी है तो गाइस यार आपको देखनी पड़ेगी हमारी अगली वीडियो। तो चलो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही, मैं और सिंचान मिलते आ रहे हैं ऐसी ब्रांड न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।